रे हम सदके तुम्हारे। जा रहे हो? उसने कहा है जाओ। मैं नहीं मानती, वो ऐसे नहीं कह सकती। उसने कहा है आज चले जाओ फिर आ जाना। फिर आ जाना? आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इनका ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। गिरकर बेहोश हो गया, चल तुझे दिखाती हूँ। ड्रामे कर रहा है कमीना। पिप यादें छान तले होने नहीं मिलता दिल दिपला दल खून नहीं मिलता रबा कोई दसे मैनू की करा दिल दा दुख सारे कम के जे जाना सीते जा कर दे जावे साहब। आप मुझे साहब ना कहा करो मास्टर साहब, उस्ताद हो आप मेरे। होनहार शागिर्द साहब ही होते हैं बेटा। ये कौन है? खलील। खलील लाहौर वाला? जी। सलाम मास्टर साहब। ओ इस तरह नहीं बेटा, इधर आ, इधर आ, गले लग। ओए, देखा तो मैंने तुम्हें आज है, पर मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ और तुम्हारी शानो मैथ पढ़ती रही है मुझसे। ये क्या है? ये तेरी कमीज क्यों फटी हुई है और ये खून कैसा है? है? ये बात अंदर बैठ के पूछ लेना ना मास्टर साहब। बुढ़ा हो गया हूँ, सारी बातें दरवाजे पर ही पूछे जा रहा हूँ। आ जाओ, मैं मुनासिब हूँ। इधर आ, देख कौन आया है। बैठक का दरवाजा कौन है? आप खलील को अंदर बिठाएं, मैं जरा दवाएं लेकर आऊँ। खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक नहीं है इसकी। ठीक है, आ जाओ। ओए, सेन में चरपाई बिछा। गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, और वो मौलवी सनाउल्ला वो तो सबसे आगे है, हदीसें पढ़ पढ़ के सुना रहा था मुझे। फाजी इब्राहिम से बात करो। कौन सी बात? कहो के रातों रात निकाह करें। फियाज चारपाई पे पड़ा है,
दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं और सुना है कि टांग भी टूट गई है। मुंह तो सलामत है ना उसका, निकाह मुंह से होता है। वो नहीं माने, उनसे कहो खानदान की इज्जत का सवाल है। कौन खराबा हो जाएगा शीना, वो अभी यहाँ से गया नहीं है। चक्कर खा के गिरता फिर रहा है, अब क्या लड़ेगा और क्या खून खराबा होगा। मौलवी सनाउल्लाह कह रहा था कि कल रात की लड़ाई कोई इंसानी काम नहीं है, चारों से जरा तगड़े और होशियार है, लेकिन उसने उनको मार मार के दुम्बा बना दिया। सब कह रहे हैं कि कोई गैबी मदद उसको मिल रही है। अब मुझे डराओ ना ठेकेदार साहब, बुजदिल बन जाओगे तो हुक्म मीना उंगली पकड़ के ले जाएगा उसे। गोली ना मार दो उसे। गोली नहीं मारनी ठेकेदार साहब, पर सारे लाहौर को लग गए कि गोली मार दी है। हाँ ना अम्मी जी, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? पीर को हिसाब का टेस्ट, वही पढ़ रही। वो सुनाया गया नहीं वापस? तो मतलब तेरी भी नहीं सुनता? जाने की हालत नहीं थी उसकी, फिर मैंने ही उसे कह दिया कि ना जा। अपना मानना अम्मी जी, पीर को कॉलेज जाना है। मैंने, मुझे नसीब है मेरे, अपने ही घर में बला पैदा कर लिए मैंने। बला को मार खाती, मैं तो मार खाती, या फिर तरले करके कहती हूँ कि ना मारो। मास्टर शरीफ के पास जाकर मैथ पढ़ना। मास्टर शरीफ के घर गया है तो पता करा लो, वो वहां गया है तो मैं नहीं जाऊंगी। नीसनी ना बन, तेरी तो आंखें पढ़ लेती हूँ मैं। बस आंखें पढ़ती हूँ, किसी दिन मेरी नब्ज पे हाथ रखी, मेरे दिल को भी पढ़ो। अब गुस्सा करो तो नब्ज डूबती, नफरत करो तो दिल टूट जाता। दिल की सारी बीमारियां तुझे, फिर भी अटैक नहीं होता तुझे? होता है ना मुझे, कल रात से पता नहीं कितने अटैक। हम मरते मरते बच जाते। चल फिर अगले अटैक का इंतजार कर, इंशाल्लाह अब नहीं बचेगी तू। थैंक यू यार। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कम करें तो मैं यहाँ बैठकर भी ड्यूटी दे सकता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, ड्यूटी मैं खुद दे दूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है तो गड्डी मंगवा के अस्पताल ले चलते। नहीं मास्टर साहब, डरने वाली कोई बात नहीं, बस ये ट्रिप खत्म हो जाए और इसको उल्टी ना आए, बाकी सब ठीक है। तेरे सर पे भी मारा था कुछ? मारा ही होगा, इससे चक्कर आ रहा। चल तू आंखें बंद करके सो जा, अब नहीं आएंगे चक्कर। जवाब देने से पहले कोई ना भूले कि सिर्फ मुझे ही गाली पड़ेगी, सारे खानदान का नाम बदनाम होगा। मामरात को जाने के सिर्फ दो ही तरीके, या तो निकाह कर लो या लाहौर वालों से जंग कर लो। निकाह किया तो क्या जंग नहीं होगी? वो जिसने रास्ता रोकने पर चार लड़कों को अस्पताल पहुंचा दिया, वो इस जबरदस्ती के निकाह के ऊपर पता नहीं क्या करेगा। उसने तो वकील के पेट पर डंडा मार दिया था, अब पुत्र हटाते नहीं बिकते।
मैं अपने फयाज को इस आग में नहीं डालूंगा। हमें नहीं मंजूर बीबा, पहले ही पता नहीं कि उसको ठीक होने में कितने दिन लगते हैं। और फिर मैंने तो सुना है वो लड़का जान हथेली पे लिए फिर रहा है, ना जाने कब मारा जाए या किस बेचारे को मार दे। आपने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी? अगर चूड़ियां पहनने से बला टलती है तो समझ लो कि हमने चूड़ियां पहन ली है। और बिल्कुल ठीक कह रही है ठेकेदारा, तू किसी और से बात कर ले। किससे बात करूं, कौन है उसके बराबर का? और तूने तो इंडिया और पाकिस्तान का मसला बना दिया उसे, अब वो उसकी खाला का लड़का है। हाँ कर दे उसे, लड़ाई खत्म हो जाएगी, सारे काम इज्जत से हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। और तो फिर हम भी बेवकूफी की लड़ाई में अपने पुत्र को नहीं मरवा सकते। आपको कोई ख्याल नहीं है खानदान का? और पुत्र मरवा कर जो खानदान को बचाते हैं ना, वो तेरी तरह के बेवकूफ होते हैं। गांव का एक आदमी भी तेरे जुनून में तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है, और सारा गांव तुझे थू थू कर रहा है कि तू जबान दे के मुकर गया है। शीदा को समझा अमीन, रिश्ता दे के झगड़ा खत्म करे, पुरानी बातें याद करके बदला ना ले किसी से। कौन सी पुरानी बात है? अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वो अब्दुल रहमान से व्याना होने का बदला ले रही है। पापे की जबान को लगाम दो पाजी, बदला लेने की कोई बात नहीं है। वो तो शुक्र अदा करती है कि उसकी अब्दुल रहमान जैसे आदमी से शादी नहीं हुई। चल वे अमीन, काले को चिट्टा ना कह, असल बात यही है। अगर मैं झूठ कह रही हूँ ना, तो बिठा सामने उसको, कह कुरान पे हाथ रख के बताए कि फसाद किस बात का है। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों ने हाँ इसलिए की थी ताकि वक्त आने पर तुम लोग इनकार कर दो उसका, वरना तो उस लड़के में कोई बुराई नहीं है। तू बता, कोई है बुराई उसमें? और चाय तो पीता जा। नहीं पीनी मारे कुछ चाय। और जिसके पास दलील नहीं है ना, वो छूटा है। हैदर, हैदर, वे हैदर। ये अम्मी जी, ये 10 रुपए कहाँ से लिए तूने? मेरे पैसे वापस करो। ये पैसे तूने लिए कहाँ से हैं? अब्बा जी की जेब से निकाले? अब्बा जी की जेब तो खाली होती है। फिर कहाँ से लिए तूने? भाईजान खलील ने दिए थे मुझे। चुप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालू जी। वालेकुम अस्सलाम। खलील कहाँ है? मेरे पास है खालू जी, सोया हुआ है। शाम को सो गया? सर में दर्द था, गोली खाकर सोया। अपनी खाला की तरफ है? नहीं, मास्टर शरीफ साहब की तरफ। क्यों, कोई मसला है वहां? मसला तो है ना खालू जी, उसके आने पर खुश नहीं है। किसी ने बदतमीजी तो नहीं की उसके साथ? नहीं खालू जी, वैसे ही मास्टर साहब से मिलने आए थे, उन्होंने कहा रात यहीं रहो। उसकी माँ परेशान हो रही है। तसल्ली दो उसको, कहो सब ठीक है। उसको कहना कल आ जाए वापस। आ जाएगा। कुछ भी हो जाए डॉक्टर, लड़ाई ना होने देना। नहीं होने दूंगा। कल नहीं आओगे तो रात को मैं पहुंच जाऊंगा। कल शाम से पहले आ जाएंगे। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खालू जी यहाँ पहुंच गए तो बहुत तमाशा हो जाएगा मास्टर साहब, उसके कपड़ों पे खून देखो तो जान निकल जाती है। साहब उसके पास कोई दूसरा जोड़ा नहीं है? कहाँ है दूसरा जोड़ा, कहकर आया था रात को आ जाऊंगा। अच्छा, मैं कोई बंदोबस्त करता हूं। हाँ जी, तो क्या बात हुई, ये सिगरेट पी रहे हो आप? अच्छा बताओ, पाजी ने क्या कहा? इनकार कर दिया। इनकार कर दिया,
मतलब कि हमें जरूरत पड़ी तो इनकार कर दिया। वाह, भाभी कहती है कि दूसरों के बदले की आग में हम क्यों जले? क्या मतलब? चल रहने दे, इस तरह की बात ना ही करे तो अच्छा है। बात करो, मैं जवाब देती हूँ। तुझे अब्दुर्रहमान से शादी ना होने का गम है? किसने का? भाभी बिल्कुल का। इनकार करने का यही बहाना मिला? आप बताओ, गम है मुझे? कभी देखा है मेरी शक्ल पर? मैंने कब कहा है? लेकिन शीदा, हम खलील को इनकार क्यों कर रहे हैं? बस नहीं मानता दिल मेरा, जिसका बाप दगाबाज हो उसका बेटा भी दगाबाज ही होगा। लेकिन वो अब्दुर्रहमान का बेटा नहीं है। तो मैंने कब अब्दुर्रहमान की बात की है? दुनिया में है कोई सादक जैसा दगाबाज? दुनिया आखरत दोनों खराब है उसकी। अब क्या करें? लोग सवाल तो करते हैं ना। क्या सवाल करते हैं? अब देखो ना, सादिक पे ऐसी बात का गुस्सा है ना कि उसने आपा नायर को तलाक क्यों दी थी, और अब खलील का रिश्ता मना करके तुम आपा को ही दुख दे रही हो ना। आपा को भी रहने दो ठेकेदार साहब, चार बच्चे छोड़ के बहन के मंगेतर से शादी कर ली, कोई और ढूंढ लेती ना। अपनी भाभी से कह दो मेरे कलेजे पे हाथ ना डाले, मैं पहले कई सालों से सड़ी बैठी हुई हूं। चल गुस्सा ना कर, मैं मुतमईन हो गया हूं। आपकी भाभी जरा मेरे सामने आए, इंशाल्लाह मुंह तोड़ दूंगी उसका। एक सवाल समझ नहीं आ रहा, हुमैरा की तरफ जाके पढ़ लूं? आराम से बैठी रहे, टेस्ट में फेल हो जाऊंगी अम्मी जी। जो पास होके करना है ना तूने, वो फेल होके ही कर ले। बजी, आपके तो मैथ में 100/100 नंबर आए थे ना? हाँ। मुझे एक सवाल करा दो। जा, पढ़ाई में ध्यान कर, मैं अपनी सोचों में अटका हुआ हूँ। उमैरा को बुला लूँ? बुला ले। रजिया, उमैरा को जाकर बुला ला, कहना हिसाब के सवाल करते हैं। अम्मी जी, बुला लाऊं? अब जल्दी खाना खा लो डॉक्टर, मुझे वहां जाना है। रात के 10 बज गए। तो वो सो गई होगी क्या? ना कर डॉक्टर, मैं उसकी शक्ल देख कर आऊंगा तो नींद आएगी। अभी वो तमाशा होगा, ना जा। तमाशा करेंगे तो रात वहीं रहूंगा। ठीक, वादा कर, थोड़ी देर बैठेगा फिर वापस आ जाएगा। वादा। और हाँ, एक और बात, कल हम वापस जाएंगे। खालू जी से फोन पर बात हुई है मेरी, कह रहे थे अगर कल नहीं आओगे तो वो शाम को खुद बलगन आ जाएंगे। कल तो वापस ही जाना है यार, मैं तो उसके कहने पे ठहर गया था। चल ना, फिर तू कहेगा 10:15 बज गए। चल।
अब्बा जी पता है क्या कहते थे? मैथ में मैंने 100/100 नंबर लिए थे। पर एक दिन इनकी मैट्रिक की सनद मेरे हाथ आ गई। कुल नंबर 357 थे और मैथ में पता है कितने नंबर थे? कितने? 31। दो रियायती नंबर देकर पास किया था उनको। तो भाई शानू, तेरे अब्बा जी भी कभी सच नहीं बोलते। सच भी बोलते हैं, कहते हैं खलील से तेरी शादी नहीं हो सकती। बोलते हैं ना सच। अब मूड खराब ना कर, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी खलील से शादी नहीं हो सकती। बस ये दुआ कर कि मेरे नाम के साथ किसी और का नाम ना ले। चल अब सवाल कराते हैं। 2 दिन से तो क्लास नहीं पढ़ी। कौन सा करवाऊं? ये वाला। इस तरह क्या देख रही है शानू? ये सवाल तो मुझे भी नहीं आता। पिट्टी मुंह तेरा। कौन? मैं हूँ खाला जी। चल कमरे में चल। वो आया कमीना। हाँ मुझे अच्छा लग गया। क्या करूं? करना क्या है, दरवाजा खोलो जाके। अब रात को तमाशा थोड़ी लगाना है। कोई आने का वक्त है? सुबह मैंने वापस जाना था तो इसलिए सोचा कि रात को ही मिल लूं। चल मिल ले। आपसे तो मिल ही लिया, अब उससे मिल लूं जिसके लिए आया हूं। रास्ता दीजिए। सलाम खलील भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ है वो? ऊपर। डॉक्टर साहब आप खालू जी के पास बैठ कर गप मारें, मैं जरा शानू से मिलकर आया। इस वक्त तुम क्या कर रही हो इधर? मैथ का सवाल कराने आई थी। हो गया? नहीं हुआ, मुझे आता ही नहीं था। ध्यान से पढ़ा करो। चलो मैं करा लेता हूँ सवाल, कल तुम भी कर लेना। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालू कहाँ? अंदर है, चलिए अंदर। देखा, इसी बात का तो डर था मुझे।
पूछो किस बात का? किस बात का? आप आ जाओगे और मेरी सारी पढ़ाई वैसी की वैसी रह जाएगी। जवाब दूं? जी। तुम खाक पढ़ाई करोगी? तुम्हें तो मैथ आता ही नहीं। आता है कसम से, बस एक सवाल नहीं आता। वही तो मैं कराने आया हूं। तो फिर करा दो। वैसे ही देखते रहोगे तो मैथ तो क्या, मैं तो उर्दू भी भूल जाऊंगी। चलो निकालो किताब। आपका हाथ में तो मुझे अब बताओ कौन सा सवाल है? ये वाला। कल चला जाऊंगा। जा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर कब आओगे? परसों। कितने बजे? शाम को। चलो अब करा दो सब। ये तो मेरी बेगैरती है डॉक्टर। ऊपर वो कमीना मेरी बेटी के साथ बैठा हुआ है और नीचे मैं अपनी बेबसी का रोना रो रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाओ खालू जी, वो उसका बड़ा एहतराम करता है। क्या एहतराम करता है? सारे गांव में उसके नाम से बदनाम हो गई मेरी बेटी। अब तक मेरा अपना भाई उसका रिश्ता लेने के लिए तैयार है। बस ये बात भूल जाओ खालू जी, आप किसी को उसका रिश्ता दोगे या किसी से उसका रिश्ता मांगोगे तो पूरे बलगन को जलाकर राख कर डालेगा वो। मैं ऊपर कार क्या रहा है? मैथ्स का सवाल हल करा रहा है। कौन मानेगा कि मैथ्स का सवाल हल करा रहा है? गारंटी देने के लिए तैयार हूं, उसको छुएगा भी नहीं। एक बार पूछा था मैंने उससे, कभी उसको छुआ तो नहीं, तो पता क्या जवाब दिया उसने? कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं ना वजू में होता हूं, उसे छू कैसे सकता हूं? यकीन नहीं आता ना तो ऊपर जाके देख लो खालू जी, पास भी बैठा होगा तो दरमियान में 2 फुट का फासला होगा। ये कोई सादा सादा मोहब्बत नहीं है खालू जी, जो भी हो रहा है खुदा की तरफ से हो रहा है, वरना वो तो गांव की किसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। देख तेरी तसल्ली पर यकीन कर रहा हूं डॉक्टर। तसल्ली तो बड़ी छोटी बात है खालू जी, मैं तो कसम खाने के लिए तैयार हूं। आपका हक बनता है कि उनकी मोहब्बत से नफरत करो, मगर उनकी
पाक दामनी पे शक मत करो। डॉक्टर को चाय बुला। नहीं खालू जी, चाय नहीं पीनी मैंने। आसान नहीं था, आसान करके बताया तुम्हें। अब उठकर चले ना जा। जब तुम कहोगी तब जाऊंगा। टेस्ट में पास हो जाओगे तो बड़ी इज्जत मिलेगी मुझे। खाला खालू को लगेगा कि मैं पढ़ाऊं तो पढ़ लेती हो तुम। एक बार फिर पढ़ा दो। क्यों? काक समझ में आया? या अल्लाह, ये क्यों कहा? तुम ही तो कह रही थी हाय अल्लाह, ये तो इतना आसान है। वो तो इसलिए कह रही थी कि उस्ताद के किए पर पानी ना फिर जाए। पानी तो फिर गया। ये कैसे हो सकता है? आपने कहा है फेल ना हो, मरती मर जाऊंगी, फेल नहीं होंगी। चलो मैं फिर से समझाता हूं, और से सुनना। और से ही सुन रही हूं। कॉपी की तरफ देखो ना। आपने सुनने की बात की थी ना, तो आपकी कसम मैं गौर से सुन रही जा रही। सीधा ऊपर जाके देख, बड़ी देर हो गई। पता नहीं कौन सा मैथ का सवाल हल हो रहा है। रहने दो, आज उसे पढ़ा लेने दो। लगता है कोई बहुत ही मुश्किल सवाल है। बड़े जोर शोर से पढ़ाई हो रही है। ये लो, अब तो समझ आ गई। आकर नंबर पूछूंगा। पूछ लेना, पूरे 100/100 होंगे। हंस क्यों रही? 100/100 पर हंसी आ जाती है। अब मैं जाऊं?
पता है? डॉक्टर कहता है हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। कैसे? वो कहता है जब इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं या फिर उनकी फौरन शादी हो जाती है। एक बात कहूं, खुर्रम रखेंगे उसका नाम। किसका? अपने बेटे का। हाय अम्मा। खे से खलील, रे से रुखसाना, मीम से मोहब्बत। आप जाओ यहां से वरना मैं मर जाऊं। जाओ, आपको मेरी कसम। सदके तुम्हारे